राशिद खान ने शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर में शानदार ऑलराउंड खेल से सनराइजर्स हैदराबाद टीम को फाइनल में पहुंचाया। उनके इस शानदार प्रदर्शन के बाद अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ट्वीट किया। देखिए एक रिपोर्ट। अफगानिस्तान के वंडर बॉय राशिद खान कर रहे कमाल, फैन हुए इरफान पठान, शेन वॉर्न, विनोद कांबली जैसे दिग्गज। राशिद खान के कायल हुए अफगान के राष्ट्रपति। राशिद खान पर फिदा हुए राष्ट्रपति अशरफ गनी। पीएम मोदी से कहा, हमारा हीरो है, किसी और को नहीं देंगे। हरफन मौला खेल के दम पर फाइनल में सनराइजर्स। शुक्रवार को राशिद खान ने एडन गार्डन्स में अपना ऐसा जादू बिखेरा कि हर कोई उनका मुरीद हो गया। राशिद का बेमिसाल खेल देखकर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने उन्हें सर आंखों पर चढ़ा लिया। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अपने देश के युवा स्पिनर से इतने खुश हुए कि उन्होंने पीएम मोदी को साथ लेकर राशिद के लिए तारीफों के पुल बांध दिए। राशिद का कमाल देखकर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने ट्वीट कर उनकी खूब तारीफ की और इस ट्वीट की खास बात ये है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसमें टैग किया। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने ट्वीट किया, अफगानिस्तान के लोगों को अपने हीरो राशिद खान पर गर्व है। इसी के साथ मैं भारत का भी शुक्रगुजार हूं कि वो हमारे खिलाड़ियों को बेहतर मौका दे रहे हैं। राशिद खान हमारे देश की खूबी को दर्शाता है, जो वर्ल्ड क्रिकेट में एक खास स्थान रखता है। राशिद खान के इस प्रदर्शन के बाद ट्विटर पर उन्हें बधाइयां मिलने लगी। कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने उन्हें ट्विटर पर बधाई दी। वहीं कल के मैच की अगर बात करें तो उसके सबसे बड़े हीरो अफगानिस्तान के राशिद खान रहे। राशिद खान ने पहले बल्लेबाजी में कमाल दिखाया और फिर गेंदबाजी में कमाल दिखाकर अपनी टीम को जीत दिला दी। फॉर स्पोर्ट्स डेस्क, लकी जगवानी, न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।